नमस्कार बच्चों, मैं दीपिका त्रिपाठी आज आपको कक्षा 10 के वाणिज्य विषय के खंड अ बही खाता से पहले पाठ अंतिम खाते के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका भाग एक हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। तो हमारे आज के पाठ की ये अध्याय की रूपरेखा है। पहला है अंतिम खाते से आशय, दूसरा है व्यापार खाते से आशय, तीसरा व्यापार खाते की मदें और चौथा है व्यापार खाते का प्रारूप। अब हम अपने पहले चर्चा के बिंदु पर आएंगे, जो है अंतिम खाते से आशय। तो बच्चों, हमारे आज के अध्याय का पहला बिंदु है अंतिम खाते से आशय। एक निश्चित अवधि के पश्चात व्यापार के लाभ हानि तथा आर्थिक स्थिति को जानने के लिए व्यवसायी द्वारा व्यापार खाता, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं। अगला है लाभ हानि खाता, जिसे अंग्रेजी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। और लास्ट वन है आर्थिक चिट्ठा, दैट इज बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। इन्हें ही हम अंतिम खाते अर्थात फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारी चर्चा का अगला बिंदु है व्यापार खाता। तो हमने देखा कि अंतिम खाते के अंतर्गत हम तीन चीजें बनाते हैं, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। तो इसमें है सबसे पहले जो आता है वो है व्यापार खाता, और व्यापार खाते को अंग्रेजी में हम ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं। व्यापार खाते से आशय, जिस खाते में व्यापार में हुए क्रय विक्रय अर्थात परचेजेस एंड सेल्स, क्रय को हम अंग्रेजी में परचेजेस कहते हैं और विक्रय को सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट व्यय, व्यय अर्थात एक्सपेंसेस, खर्चे जो होते हैं, तथा उनसे संबंधित मदों, मतलब उनसे संबंधित रिलेटेड हेड्स जो है उन्हें उनसे संबंधित मदे कहते हैं। उनसे संबंधित मदों का लेखा किया जाता है, उसे व्यापार खाता अर्थात ट्रेडिंग अकाउंट्स कहते हैं। अगला हमारे चर्चा का बिंदु है व्यापार खाते की मदें। व्यापार खाते की मदें, जिसमें आपको दो पक्ष हैं, ऋणी पक्ष और धनी पक्ष। तो पहले हम ऋणी पक्ष की मदों के बारे में डिस्कस करेंगे। ऋणी पक्ष अर्थात डेबिट साइड, अंग्रेजी में ऋणी पक्ष को हम डेबिट साइड कहते हैं। इस खाते के ऋणी पक्ष DR, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है DR, अर्थात डेबिट में खाते के नाम के साथ TO अर्थात टू शब्द, अंग्रेजी में टू शब्द लिखा जाता है। और इसी को हम हिंदी में अगर लिखेंगे तो खाते के नाम के साथ का लिखेंगे, और टू जो है खाते के नाम के पहले आएगा, और का जब हम हिंदी में लिखेंगे तो वो खाते के नाम के बाद में ऐड किया जाता है। इस पक्ष में निम्नलिखित मदें हैं। तो पहली मद है प्रारंभिक रहतिया, प्रारंभिक रहतिया अर्थात ओपनिंग स्टॉक। जब भी कोई व्यापारी अपना व्यापार शुरू करता है, हर एक साल उसके व्यापार में जो भी माल शुरुआत में रहता है उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। दूसरा है क्रय, क्रय अर्थात परचेजेस, जो हम कोई भी व्यापारी अगर कोई सामान खरीदता है या माल खरीदता है, कच्चा माल खरीदता है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं क्रय अर्थात परचेजेस, वो उसके परचेज होता है। अगली मद है प्रत्यक्ष व्यय या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रत्यक्ष व्यय को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं अंग्रेजी में। तो जो भी खर्चे करता है व्यापारी रोजमर्रा के व्यापार में, उसे हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, जो व्यय दिखाई देता है। सकल लाभ, सकल लाभ है अगली मद। ये मद जो है ये कैलकुलेट की जाती है, ये आपको व्यापार खाते में आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसको पता लगाना पड़ेगा। जब आप व्यापार खाता बनाएंगे तब ऋणी पक्ष और धनी पक्ष दोनों पक्षे रहेंगी, और अगर आपके
धनी पक्ष का टोटल ऋणी पक्ष के टोटल अर्थात योग से ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पर आपको सकल लाभ मिलेगा, उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम धनी पक्ष के विषय में पढ़ेंगे। धनी पक्ष अर्थात क्रेडिट साइड, धनी पक्ष सी आर है क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म, जिस तरह से डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डी आर लिखते हैं उसी तरह से क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म जो है सी आर है, में खाते के नाम के साथ बाएं शब्द लिखा जाता है। इस पक्ष में निम्नलिखित मदे हैं। अब बच्चों जिस तरह से हमने देखा कि ऋणी पक्ष में खाते के नाम के साथ टू शब्द लिखा जाता था, उसी तरह से यहाँ पर धनी पक्ष में खाते के नाम के साथ बाई शब्द लिखा जाता है जो अंग्रेजी में लिखा जाता है, और यह भी खाते के नाम के पहले ही ऐड होता है बाई। और अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो से लिखा जाता है जो आपके खाते के नाम के अंत में जोड़ा जाता है, हिंदी में उसे से कहते हैं। अब इसकी मदे हम देखेंगे। पहली मद है विक्रय, विक्रय अर्थात सेल्स, और दूसरी मद है अंतिम रहतिया, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। व्यापार के अंत में जो भी माल बच जाता है सेल्स के बाद तो उसे हम कहते हैं अंतिम रहतिया, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। अगली मद है सकल हानि, यह मद भी हम पता लगाते हैं। जिस तरह से ऋणी खाते में हमने हम सकल लाभ पता लगाते हैं, उसी तरह धनी पक्ष में हम सकल हानि पता लगाते हैं। अगर ऋणी पक्ष का योग धनी पक्ष के योग से अधिक है तो हमें सकल हानि मिलती है। इसमें बच्चों आपको एक और चीज ध्यान देने की जरूरत है, व्यापार खाते में, व्यापार खाते को बनाने में कार्यालय संबंधी व्ययों को छोड़ दिया जाता है। क्या कार्यालय संबंधी और व्यापार संबंधी जितने भी व्यय हैं वो इसमें नहीं इंक्लूडेड होते हैं, इनको छोड़ दिए जाते हैं, और तथा केवल माल संबंधी सौदों को ही लिखा जाता है। जो माल संबंधी सौदे हैं दैट इज परचेज से लेकर सेल्स तक जो भी सौदे किए जाते हैं वो सारे सौदे आपके धनी पक्ष में इंक्लूडेड होते हैं, सॉरी व्यापार खाते में इंक्लूडेड होते हैं। अब हम व्यापार खाते का प्रारूप देखेंगे। बच्चों ये देखिए व्यापार खाते का प्रारूप, ये अंग्रेजी में यहां पर दिया गया है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जब आप प्रारूप बनाते हैं तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब एक साल का, एक साल के अंत में ये व्यापार खाता बनाया जाता है। तो जैसे एक व्यापारी के व्यापार खाता या फिर अंतिम खाते जो बनाए जाते हैं वो शुरुआती साल जो होता है उनका 1 अप्रैल to 31 मार्च होता है, या तो 1 जनवरी to 31 दिसंबर होता है। तो इसी में अंत में, साल के अंत में ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। अगर समझ लीजिए आप ये 2020 ले लीजिए साल, तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2020, समझ गए? यहाँ पे ईयर एंडिंग जो भी जिस साल का आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं उस साल को वहां पर आप दर्शाएंगे। अब देखिए अगला स्टेप, यहाँ पर दो पक्ष यहाँ पर दिखाए गए हैं व्यापार खाते के प्रारूप में, पहला है डेबिट पक्ष और दूसरा है क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष बाईं ओर दिखाया गया है और क्रेडिट पक्ष दाईं ओर दिखाया गया है। तो डेबिट पक्ष में भी आपको सेम कॉलम्स दिखाई देंगे, पर्टिकुलर्स जिसे हम हिंदी में विवरण कहते हैं, समझ गए? और रुपीस के कॉलम्स हैं, दो कॉलम्स हैं, एक इंटरनल कॉलम है और एक एक्सटर्नल कॉलम है। और यहाँ पर भी क्रेडिट पक्ष में भी दो कॉलम्स हैं,
एक इंटरनल कॉलम है और एक एक्सटर्नल कॉलम है। यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स है, जिसे हिंदी में विवरण कहते हैं, रुपीज अर्थात रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमाउंट लिखेंगे हम नंबर्स में, वो इन कॉलम, इन दोनों कॉलम्स में आएंगे। बच्चों अब हम देखेंगे व्यापार खाते का प्रारूप। तो इस प्रारूप में स्टार्टिंग में आप देखिए सबसे ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मतलब एक साल के अंत का ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता जो साल के अंत का। अब वो कौन सा साल है, जिस साल का आप व्यापार खाता बना रहे हैं उस साल के अंत का, आप वहां पे उस साल का डेट और साल का साल लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2020, समझ गए, या फिर 31 दिसंबर 2020। तो यहाँ पर एंडिंग के बाद आपको डेट ऐड करनी है। अब आप देखेंगे उसके बाद यहाँ पे दो कॉलम्स दिए गए हैं, एक है डेबिट का कॉलम जिसे हम ऋणी पक्ष कहते हैं, और दूसरा साइड है क्रेडिट का कॉलम जिसे हम धनी पक्ष कहते हैं। तो ऋणी पक्ष और धनी पक्ष दैट इज डी आर और सी आर के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। अब उसके नीचे आप देखेंगे, डेबिट और क्रेडिट के नीचे आप देखेंगे तो कॉलम्स आपको दिए गए हैं, और दोनों साइड सेम कॉलम्स दिए गए हैं, उतने ही कॉलम्स आपको डेबिट साइड में उतने ही क्रेडिट साइड में मिलेंगे बच्चों। और पहला जो है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स को हम हिंदी में कहते हैं विवरण, और रुपीज आप जानते ही हैं रुपए, तो रुपए के दो कॉलम आपको डेबिट साइड में दर्शाए गए हैं, दो कॉलम क्रेडिट साइड में, ठीक है बच्चों। तो ये जो दो कॉलम है, एक होता है इंटरनल कॉलम और एक होता है एक्सटर्नल कॉलम, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करते हैं ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखिए, अब हम पहले कॉलम में आते हैं, सॉरी पहले पक्ष में आते हैं, डेबिट पक्ष में। इसमें देखेंगे हम कि पहला जो मद है इसका, पहला हेड है टू ओपनिंग स्टॉक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऋणी पक्ष में हम लिखते हैं किसी भी मद के साथ में टू ऐड करते हैं, तो टू यहाँ पे सबसे पहले ऐड किया गया है ना, टू ओपनिंग स्टॉक लिखा गया। ओपनिंग स्टॉक जो है वो मद है, प्रारंभिक रहतिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो मद है और उसके पहले टू लगाया गया है। अगर हम यही चीज हिंदी में लिखते हैं बच्चों तो लिखेंगे प्रारंभिक रहतिया का, उस मद के बाद हम का ऐड करेंगे, समझ गए बच्चों। अगला मद है, अगर हमें हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया गया है तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और देखिए जो रुपीस का कॉलम है वहां पे, उस बाहर वाला जो रुपीस का कॉलम है आउटर कॉलम, वहां पे आप ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है टू परचेजेस। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देने वाली चीज है बच्चों। टू परचेजेस, परचेजेस अर्थात क्रय, जो हम क्रय करते हैं, समझ गए। तो क्रय करते हैं तो इसमें उसके नीचे आप देखिए लिखा हुआ है लेस रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड को हम परचेज रिटर्न भी कह सकते हैं। जैसा कि कभी कभी व्यापार में ऐसा भी होता है कि व्यापारी जो है अपने सामान को बनाने के लिए जो कच्चा माल खरीदता है, उस कच्चे माल में वो सब यूज नहीं कर पाता है, सब यूटिलाइज नहीं कर पाता है, कुछ माल उसके बच जाते हैं, समझ गए। तो वो जो बचे हुए माल है वो वापस कर देता है। हमारा शरीर एक किले की तरह है, सामान उसने खरीदा, अब जैसे उसमें में से बचे हुए सामान जो है वो वापस कर देता है, तो जो सामान वो वापस कर देता है उसे ही कहते हैं परचेज रिटर्न, अर्थात हिंदी में उसे कहते हैं क्रय वापसी। क्रय मतलब खरीदना है ना, जो हम खरीदते हैं उसको वापस कर देते हैं, तो उसे क्रय वापसी कहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, कुछ लेस करना है या कुछ ऐड करना है, तो इसीलिए हमें ये इंटरनल कॉलम्स दिए जाते हैं। पहले हम उसमें से लेस करके फिर फाइनल अमाउंट जो है वो एक्सटर्नल कॉलम में लिखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल परचेजेस आ गया, परचेजेस हमने लिया, परचेजेस समझ लो आपने किसी व्यापारी ने 10 लाख का परचेज किया, ठीक है,
सामान खरीदा 10 लाख का, उसमें में से उसने 90 हजार का सामान उसने यूज किया। तो बच्चों अगली मद है परचेजेस। परचेजेस अर्थात क्रय, हिंदी में हम इसे क्रय कहते हैं। जैसे व्यापारी जो भी सामान खरीदता है ना, कच्चा माल खरीदता है उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, माल बेचने योग्य बनाने के लिए वो पहले कच्चा माल खरीदता है, फिर उसके बाद उसका प्रोसेसिंग करके उसको बेचने योग्य बनाता है, फिर वो उस माल को बेचता है। ठीक है, पहले वो कच्चे माल का क्रय करता है जिसे हम परचेजेस कहते हैं। तो परचेजेस में आप देखेंगे नीचे लेस रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ है ना बच्चों। तो ये रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड अर्थात जो रिटर्न हम बाहर की ओर करते हैं, रिटर्न मतलब वापस जो करते हैं, इसे हम परचेज रिटर्न भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसे परचेज रिटर्न भी कहते हैं और रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, और हिंदी में इसी चीज को हम क्रय वापसी कहते हैं। अर्थात जो सामान हमने खरीदा है उसमें से अगर कुछ हम वापस कर रहे हैं तो उसे क्रय वापसी कहा जाता है। समझ गए? जैसे फॉर एग्जाम्पल व्यापारी ने 1 लाख का कच्चा माल खरीदा, किसी भी व्यापारी ने 1 लाख का कच्चा माल खरीदा और 1 लाख में से उसने 90 हजार का माल उपयोग किया। 90 हजार का माल तो उसके उपयोग में आ गया, बाकी के बचे 10 हजार के माल। तो 10 हजार का जो माल है वो उसके उपयोग में नहीं आ रहा है तो वो वापस कर रहा है, जिससे भी उसने खरीदा है उसे वापस कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रय वापसी। जो 10 हजार है वो क्रय वापसी में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो दो कॉलम्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कॉलम्स, मैंने आपको बताया। तो टू परचेजेस में कितने का परचेज किया उसने? 1 लाख का परचेज किया। तो 1 लाख इंटरनल कॉलम में परचेजेस के सामने लिखा जाएगा। लेस रिटर्न आउटवर्ड है मतलब क्रय वापसी, तो लेस कितना उसने वापस किया? 10 हजार। तो 10 हजार का जो माल है उसमें ये भी इंटरनल कॉलम में ही लिखा जाएगा, क्रय वापसी के सामने, रिटर्न आउटवर्ड के सामने। तो अब हम जो परचेजेस है क्रय वापसी को माइनस करेंगे, घटाएंगे, लेस अर्थात घटाना। ठीक है, उसको घटा के जो फाइनल अमाउंट आएगा वो बाहर हम लिखेंगे, बाहर आउटर कॉलम में लिखेंगे 90 हजार। 1 लाख में से 10 हजार गए तो 90 हजार की टोटल परचेजेस हुई। समझ गए? इसी तरह से इसीलिए यहाँ पर दो कॉलम्स बनाए जाते हैं कि अगर आपको कुछ जोड़ना या घटाना हुआ तो आप इंटरनल कॉलम में वो जोड़ घटाना करके एक्सटर्नल कॉलम में फाइनल अमाउंट लिखेंगे। समझ गए? नेक्स्ट आता है वेजेस। वेजेस आपको पता है जो मजदूरी दी जाती है मजदूरों को, किसी भी कंपनी या व्यापार में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उन्हें मजदूरी दी जाती है, तो वो वेजेस के अंतर्गत आता है। और ये जो है वेजेस, फ्रेट, टू कैरिएज इनवर्स, टू क्लियरिंग चार्जेस, टू पैकिंग चार्जेस, टू डॉक चार्जेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सपेंस हैं, खर्चे हैं, है ना, व्यापारी के खर्चे हैं जो हम लिखते हैं ऋणी पक्ष में। जितने भी खर्चे आते हैं व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में वो लिखे जाते हैं। समझ गए बच्चों? तो पहला खर्चा हो गया वेजेस, जो एक व्यापारी जो है मजदूरी देता है तो वो उसका खर्चा हुआ। दूसरा खर्चा हो गया फ्रेट। फ्रेट मतलब भाड़ा, किसी भी चीज का रेंट या भाड़ा देना उसे फ्रेट कहते हैं। ठीक है, तीसरा है कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड अर्थात जब व्यापारी कोई माल खरीदता है तो उसे लादकर ले आता है अपने व्यापार के स्थल तक, तो वो उसे जो हम कहते हैं कैरिएज इनवर्ड। जो भी माल व्यापारी खरीदता है और वो लेकर आता है तो उसमें भी जो उसका भाड़ा लगता है, किराया लगता है, उसे कैरिएज इनवर्ड कहा जाता है। ठीक है, टू क्लियरिंग चार्जेस। अब क्लियरिंग चार्जेस ये है कि जैसे व्यापार में व्यापारी को हर सामान उसी के प्रांत में या उसी के डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलता है, वो कहीं और से भी मंगवाता है कई सामान। समझ गए? जो उसके यूज़ का सामान होता है वो कहीं और से भी मंगवा सकता है, किसी दूसरे प्रांत से या किसी दूसरे कंट्री से, किसी दूसरे देश से भी मंगा सकता है। तो इसके लिए जब किसी दूसरे प्रांत में
से सामान किसी दूसरे प्रांत में या किसी दूसरे देश से किसी अगले देश में जाना होता है सामान को, तो पहले उस देश की सीमा को क्रॉस करने के पहले क्लियरिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, कुछ शुल्क देने पड़ते हैं, उसी को क्लियरिंग चार्जेस कहते हैं। तो ये भी व्यापारी का एक खर्चा है जो ऋणी पक्ष में आता है। नेक्स्ट, डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस अर्थात जो बंदरगाह पे खर्चे लगते हैं उसे कहते हैं डॉक चार्जेस। टू पावर, फैक्ट्री में जो फैक्ट्री रन करने के लिए पावर की आवश्यकता होती है, पावर तो जानते ही, पावर सप्लाई, बिजली की सप्लाई, कोई भी मशीनरी चलाने के लिए, कोई भी फैक्ट्री चलाने के लिए, उसमें जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उसमें पावर की ज़रूरत होती है, करंट की ज़रूरत होती है, बिना पावर के कोई भी फैक्ट्री नहीं चलेगी। तो पावर को यूज़ करने में जो खर्चा लगता है वो भी आपके ऋणी पक्ष में ही आता है। नेक्स्ट, टू ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भी किराया भाड़ा के संबंध में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी शुल्क है एक तरह से, ये भी शुल्क है। ये सारी चीज़ें जो है, और आदि इसके अलावा भी कई और एक्सपेंसेस हैं जो आपके व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में आते हैं, समझ गए। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं, डिटेल में दी गई हैं। अब नीचे है उसकी ग्रॉस प्रॉफिट, ये हम अभी इस ग्रॉस प्रॉफिट पर बाद में आएंगे, पहले अब हम देख लेते हैं क्रेडिट साइड के मदों को। क्रेडिट साइड में दैट इज धनी पक्ष, समझ गए बच्चों, धनी पक्ष। धनी पक्ष में सबसे पहला जो है मद वो सेल्स आता है, बाय सेल्स। ओके, हमने पढ़ा था इसके पहले वाली स्लाइड में, हमने पढ़ा था कि क्रेडिट साइड में जो भी एंट्रीज लिखी जाती हैं, जो भी मदें लिखी जाती हैं, उन मद के पहले हम बाय, बी वाई बाय लगाते हैं, ठीक है। और हिंदी में उस मद के बाद से लगाया जाता है। सेल्स अर्थात सेल्स क्या होता है, विक्रय, जो चीज़ें एक व्यापारी बेचता है उसे सेल्स कहा जाता है, विक्रय कहा जाता है। तो अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे विक्रय का, सॉरी विक्रय से, समझ गए। हिंदी में क्या लिखेंगे, विक्रय से। अब यहां पर भी हम देखेंगे बाय सेल्स के बाद लेस रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको विक्रय वापसी कहते हैं। अर्थात व्यापारी ने जितना भी माल बेचा है उसमें से अगर कुछ माल उसे वापस मिल जाता है तो उसे कहते हैं विक्रय वापसी, समझ गए, रिटर्न्स इनवर्ड। तो ये भी जिस तरह से हमने देखा कि परचेजेस में हमने लेस रिटर्न आउटवर्ड घटाया है, उसी तरह से सेल्स में भी लेस रिटर्न इनवर्ड घटाएंगे, और ये भी इंटरनल कॉलम में घटाएंगे, और उसके बाद फाइनल टोटल जो है वो हम एक्सटर्नल कॉलम में लिखेंगे। अर्थात इस तरह से हमने देखा कि परचेज में हमने लेस रिटर्न आउटवर्ड किया, उसी तरह से सेल्स में भी लेस रिटर्न इनवर्ड करते हैं, ठीक है। सेल्स अर्थात हमने देखा सेल्स को क्या कहते हैं हिंदी में, विक्रय कहते हैं, और रिटर्न इनवर्ड अर्थात सेल्स रिटर्न इसको हम कहते हैं विक्रय वापसी। तो इसको भी हम विक्रय में से विक्रय वापसी को हम घटाएंगे, और यहाँ पर देखिए इंटरनल कॉलम में घटाया जा रहा है और एक्सटर्नल कॉलम में इसका टोटल लिखा जा रहा है, घटाने के बाद जितना बचा वो एक्सटर्नल कॉलम में लिखा जा रहा है, समझ गए बच्चों। और इसके बाद आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक अर्थात क्लोजिंग स्टॉक, जो भी व्यापार का क्लोजिंग स्टॉक होगा, अंतिम रहतिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो उसे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। व्यापार के अंत में जितना भी माल बचा रहता है वो सब क्लोजिंग स्टॉक के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। अब हम देखेंगे डेबिट कॉलम में टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, और यहाँ पर क्रेडिट कॉलम में बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट मतलब पी एंड एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लाभ हानि खाता, ठीक है। तो यहाँ पर
अगर हमें क्रेडिट पक्ष अर्थात धनी पक्ष का योग ऋणी पक्ष के योग से डेबिट साइड के योग से टोटल से ज्यादा मिलता है तो वहां पर जो भी बैलेंस वहां पर बचता है वो आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। उसे हम क्या लिखते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ऋणी सॉरी धनी पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से ऋणी पक्ष के योग से ज्यादा है तो उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपको धनी पक्ष में मिलेगा, समझ गए। अगर ऋणी पक्ष का योग धनी पक्ष के योग से ज्यादा है तो हमें ग्रॉस लॉस मिलता है, ठीक है। मतलब मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ, डेबिट पक्ष का टोटल क्रेडिट पक्ष के टोटल से ज्यादा है, अधिक है, तो हमें ग्रॉस लॉस मिलता है, समझ गए बच्चों। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हमें मिलता है, हमें एक ही चीज मिलेगी एक बार में, ठीक है। ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों नहीं मिलेगा, ये प्रारूप है, इसलिए प्रारूप में आपको दोनों साइड दर्शाया गया है क्या क्या आता है व्यापार खाते के अंतर्गत। पर अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, सच में व्यापार खाता बनाते हो, तो उसमें आपको या तो ग्रॉस लॉस मिलेगा, सकल हानि जिसे कहते हैं हिंदी में, या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा जिसे हिंदी में हम सकल लाभ कहते हैं, समझ गए। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो ये आपके क्रेडिट पक्ष में आएगा, धनी पक्ष में, और ग्रॉस लॉस को जब आप ट्रांसफर करेंगे तो वो धनी सॉरी ऋणी पक्ष में डेबिट पक्ष में आएगा, समझ गए बच्चों। तो ये था हमारे व्यापार खाते का प्रारूप। अब हम अपने अगले स्लाइड पे आते हैं बच्चों। तो ये इसी के साथ हमारा व्यापार खाता यहीं पर खत्म हो जाता है, और आज का आपका गृह कार्य है जो कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए हैं मैंने। पहला प्रश्न है अंतिम खाते किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है व्यापार खाते से आप क्या समझते हैं, व्यापार खाते में सकल लाभ और सकल हानि किन किन ओर दिखाए जाते हैं। तो बच्चों ये इस प्रश्न का उत्तर तो अभी मैंने आपको प्रारूप में समझाया है कि सकल लाभ और सकल हानि किन किन ओर दिखाए जाते हैं, वही दिखाना है आपको। और व्यापार खाते किसे समझते हैं आपसे सॉरी व्यापार खाते से आप क्या समझते हैं, ये चीजें भी आपको मैंने पिछली स्लाइड्स में दिखाई बताई हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए और कर लीजिए। मैं छवि निगम, प्रवक्ता यशोदा रस्तोगी गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ, गृह विज्ञान की इस ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों आज हम लोग कक्षा 12 के खंड का पाठ 11 संक्रामक रोग प्रसार एवं नियंत्रण निसंक्रमण और प्रतिरक्षण का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हमारी चर्चा के बिंदु होंगे पूर्व ज्ञान, संक्रमण तथा संक्रामक रोग एवं प्रकार, संक्रामक रोग फैलने की विधियां व प्रसार, रोगाणुओं व रोगों के सामान्य लक्षण, संक्रमण की अवस्थाएं, बचाव, प्राकृतिक व्यवस्था, विसंक्रमण की विधियां तथा प्रतिरक्षा। बच्चों आपने कक्षा 11 में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जैसे आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसी प्रकार से कुछ रोग हमारे अंगों के ठीक प्रकार से कार्य न करने के कारण होते हैं, जैसे हृदय संबंधी रोग। कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो जीवाणुओं से उत्पन्न होते हैं और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में
सरलता से संचरित हो जाते हैं। आज हम लोग इसी प्रकार के रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप जान सकेंगे कि संक्रमण क्या होता है और संक्रामक रोग क्या होते हैं। साथ ही आप भविष्य में इन रोगों के प्रति सावधान रह सकते हैं और इनसे अपनी बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि संक्रमण तथा संक्रामक रोग किसे कहते हैं। जब किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जीवाणु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष माध्यम से पहुंचकर स्वयं की संख्या में वृद्धि करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उसे हम संक्रमण कहते हैं। और इस प्रकार उत्पन्न होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहा जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो संक्रमित है, उससे विभिन्न माध्यमों से रोगाणु एक नए व्यक्ति तक, जो स्वस्थ है, वहां तक आसानी से पहुंच जाते हैं। बच्चों, संक्रामक रोग कभी भी एक गति से नहीं फैलते हैं। ये इनकी गति के अनुसार हम इन्हें चार भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है महामारी या एपिडेमिक। जब रोग बहुत तेजी से पूरे शहर को या गांव को में तेजी से फैल जाते हैं, तो उसे हम महामारी या एपिडेमिक कहते हैं। जैसे हैजा रोग और प्लेग रोग इसी तरीके से पूरे के पूरे शहर में फैल जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है विशेष क्षेत्रीय महामारी। जब इसके अंतर्गत रोग बहुत तेजी से किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ की परिस्थिति के अनुसार फैल जाते हैं, तो उसे हम एंडेमिक या विशेष क्षेत्रीय महामारी कहते हैं। जैसे नमी वाले स्थानों में मच्छर बहुतायत में होते हैं, जिससे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोग वहाँ पर बहुत तेजी से और अक्सर फैलते रहते हैं। नेक्स्ट है यत्र तत्रिक या स्पोरेडिक। जब रोग बहुत तेजी से नहीं फैलते हैं, परंतु कुछ लोगों को में होते हैं, उन्हें हम स्पोरेडिक या यत्र तत्रिक कहते हैं। जैसे डिप्थीरिया, निमोनिया आदि रोग इसी प्रकार से कुछ लोगों के में को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है विश्वव्यापी महामारी या पेंडेमिक। विश्वव्यापी महामारी COVID-19 आपको का इसका लेटेस्ट उदाहरण है। जब रोग इतनी तेजी से फैलते हैं कि वो पूरे के पूरे विश्व के कई देशों को अपने तेजी से फैल जाते हैं, तो उसे हम विश्वव्यापी महामारी या पेंडेमिक के नाम से जानते हैं। और अभी आपने COVID-19 में देखा ही है कि उसने कितनी तेजी से बहुत सारे देशों में अपना प्रभाव डाला है और लोगों को संक्रमित किया है। संक्रामक रोग फैलने की बहुत सारी विधियां होती हैं। ये रोग कई माध्यमों से फैलते हैं, जैसे जीव जंतुओं के द्वारा। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कीटों के द्वारा फैलते हैं, जैसे कि मच्छर द्वारा मलेरिया, डेंगू आदि फैलता है। इसी प्रकार से चूहे, पिस्सू आदि के माध्यम से प्लेग रोग फैलता है। और संक्रमित जानवर के काटने से, जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से रेबीज रोग फैलता है। इसी प्रकार से कुछ रोग वायु द्वारा फैलते हैं। जब किसी भीड़ भरे स्थान पर बहुत सारे लोग एक साथ एकत्रित होते हैं और कोई संक्रमित व्यक्ति उस जगह पर सांस छोड़ता है, साथ ही में उसके छींकने, खांसने आदि से बहुत से रोगाणु वायु में आ जाते हैं, और फिर जब वहां पर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है, तो उसके माध्यम से उसके स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ये रोगाणु पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से क्षय रोग, डिप्थीरिया रोग, चेचक आदि रोग फैलते हैं। नेक्स्ट है जल तथा भोजन द्वारा। जब जल के द्वारा बहुत से रोग में जो दूषित जल का जो लोग सेवन करते हैं, उनको कई बार रोग हो जाते हैं। इसी प्रकार से दूषित भोजन का प्रयोग करने से भी रोग हो जाते हैं, जैसे गंदे हाथों का प्रयोग करना। जब लोग गंदे हाथों से ही भोजन पकाने, परोसने अथवा खाने का कार्य करते हैं, तो वो भोजन दूषित हो जाता है। इसी प्रकार से मक्खियां भी कई बार भोज्य पदार्थों को दूषित कर देती हैं। जब मक्खी
किसी संक्रमित व्यक्ति के मल पर बैठती है और उसके या बलगम पर बैठती है तो वो अपने पैरों में बहुत सारे रोगाणुओं को चिपका ले आती है। और जब वही मक्खी हमारे भोज्य पदार्थों पर बैठती है तो वो बहुत सारे रोगाणुओं को उस भोज्य पदार्थ पर छोड़ देती है। जब वही भोज्य पदार्थ एक स्वस्थ व्यक्ति सेवन कर लेता है, खा लेता है, तो उससे वो रोगाणु उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से हैजा, टाइफाइड, पेचिस आदि जैसे रोग फैलते हैं। कुछ रोग सीधे संपर्क के द्वारा होते हैं, जैसे रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने या उसके प्रयोग किए हुए वस्तुओं का प्रयोग करने से कुछ रोग फैल जाते हैं, जैसे कि खाज, खुजली, कुष्ठ रोग और एड्स आदि। संक्रामक रोगों का प्रसार तीन प्रकार से होता है। पहला है प्रत्यक्ष संक्रमण, जब रोगाणु बिना किसी माध्यम के सीधे किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने से होते हैं, जैसे हाथ मिलाने से, चुंबन लेने से अथवा उसके खांसने और छींकने के स्थान पर श्वसन करने से। जिस जगह किसी भी संक्रमित व्यक्ति ने छींका है और जो सबसे नज़दीक होता है उस व्यक्ति तक वो रोगाणु शीघ्रता से उसके श्वसन के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं, तो उसे हम प्रत्यक्ष संक्रमण कहते हैं, जैसे खसरा, काली खांसी, तपेदिक आदि। इसी प्रकार से कुछ रोग अप्रत्यक्ष संक्रमण से फैलते हैं, प्रसारित होते हैं, जैसे कि संक्रमित व्यक्ति के प्रयोग किए हुए बर्तनों का प्रयोग करना, जैसे गिलास, चम्मच आदि का इस्तेमाल कर लेने से, अथवा कभी कभी उसकी चादर, तौलिया आदि का प्रयोग कर लेने से संक्रमण एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से ज्यादातर खाज, खुजली, कुष्ठ रोग आदि फैलता है। इसके अतिरिक्त वाहकों द्वारा भी कुछ रोगों का प्रसार होता है। इसके लिए सदैव तीसरे माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मलेरिया रोग को फैलाने के लिए मच्छर तीसरा माध्यम होता है, इसी तरीके से चूहे और पिस्सू प्लेग रोग फैलाने के लिए तीसरा माध्यम होता है, और कुत्ते, बिल्ली आदि जो संक्रमित होते हैं और वो जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेते हैं तो वो उस व्यक्ति में अपने रोगाणु को पहुंचा देते हैं और इस तरह से वो एक तरह से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाने के रोगाणुओं को पहुंचाने का तीसरा माध्यम होते हैं। बच्चों, रोग किसी भी माध्यम से फैले या रोगाणु, लेकिन संक्रमण किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचे, परंतु इसके मुख्य रूप से जनक रोगाणु ही होते हैं, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसी भी रोग को रोगाणु ही उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ये जीवाणु, इनको हम जीवाणु भी कहते हैं। ये जीवाणु केवल वही रोग फैला सकते हैं जिस रोग के ये जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं। जैसे हैजा का बैक्टीरिया केवल हैजा ही रोग फैला सकता है, तपेदिक का बैक्टीरिया सिर्फ तपेदिक रोग ही फैला सकता है। ये बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, जैसे बेसिलस, कोकस, स्पाइरिलम, विब्रियो आदि। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक जंतुजन्य रोगाणु होता है जो एक कोशिकीय होता है। मलेरिया रोग को फैलाने वाला जो प्लाज्मोडियम परजीवी होता है वो एक प्रकार का प्रोटोजोआ ही होता है। इसी तरीके से वायरस, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिनको कि आप सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। ये इतनी तेजी से अपनी वृद्धि करते हैं कि बहुत ही शीघ्र व्यक्ति के शरीर में अपने लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उसको प्रभावित कर देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है फफूंदी या फंगस। फंगस या फफूंदी, इसको फंगी के नाम से भी जानते हैं हम, ये
एक प्रकार के वनस्पति जन्य रोगाणु होते हैं जो ज्यादातर त्वचा संबंधी रोग जैसे खाज, खुजली आदि का कारक होते हैं। बच्चों, रोगाणुओं की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे रोगाणुओं को हमेशा प्रवेश के एक मार्ग की आवश्यकता होती है। ये वायु द्वारा, भोजन द्वारा, जल द्वारा, कीटों द्वारा, किसी न किसी माध्यम से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं। इसके अतिरिक्त रोगाणुओं के ऊपर तापमान का भी प्रभाव होता है। ये अत्यधिक तापमान में अथवा अत्यधिक निम्न तापमान में प्रायः नष्ट हो जाते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ रोगाणुओं को नष्ट करना काफी कठिन हो जाता है। रोगाणुओं की हमेशा गुणात्मक वृद्धि होती है। गुणात्मक वृद्धि से तात्पर्य है कि ये 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं और 8 से 16 होते हैं तथा 16 से 32 होते हैं। इस प्रकार से ये इतनी तेजी से वृद्धि करते हैं कि कुछ ही घंटों में ये लाखों की संख्या में हो जाते हैं और ये हमारे शरीर में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। रोगाणु सदैव अंधेरे, गंदे और सीलन युक्त स्थानों पर ही निवास करना पसंद करते हैं। वहीं पर ये ज्यादातर पनपते हैं। इसलिए ऐसे वातावरण में बहुत ज्यादा रोगाणु होते हैं। इसके साथ ही हमारी त्वचा पर और मानव और जंतुओं के त्वचा के साथ ही उनके आंतों में भी ज्यादातर रोगाणुओं का निवास होता है। यद्यपि कि प्रत्येक संक्रामक रोग के अपने विशिष्ट लक्षण होते हैं, परंतु कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जो सामान्यतः सभी संक्रामक रोगों में पाए जाते हैं। ज्यादातर प्रारंभ में ये लक्षण सभी रोगों में कॉमन होते हैं। जैसे कि सबसे पहले जैसे ही रोगाणु हमारे अंदर प्रवेश करता है, हम सिर में भारीपन, दर्द आदि का अनुभव करते हैं। उसके साथ ही हमको अंदर से ठंडक लग के, कपकपी लग करके ज्वर चढ़ने लगता है, क्योंकि रोगाणु स्वयं की वृद्धि कर रहे होते हैं और साथ ही साथ में वो हमारी रोग निरोधक शक्तियां जैसे कि WBC आदि के साथ में संघर्ष भी कर रहे होते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसके साथ ही जब भी संक्रामक रोग होते हैं तो गले में सूजन हो जाती है। आपने अनुभव भी किया होगा कि ऐसी अवस्था में जिस समय हमारा गला सोर थ्रोट होता है या गले में सूजन होती है, उस समय हमको लार गुटकने में भी और पानी गुटकने में भी काफी कष्ट का अनुभव होता है। इस तरह से ये कुछ सामान्य लक्षण हैं जो लगभग सभी संक्रामक रोगों के प्रारंभ में दिखते हैं। इसके अलावा संक्रामक रोगों की अपनी कुछ विशेष अवस्थाएं होती हैं। जब भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई रोगाणु किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो तुरंत उस रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि धीरे धीरे करके जब रोगाणु हमारे WBC आदि रोग निरोधक शक्तियों से विजय प्राप्त कर देते हैं, उसके पश्चात व्यक्ति रोगग्रसित हो जाता है और उसके बाद उसमें रोग के लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं। तो कोई भी संक्रामक रोग हो, वो कुछ निश्चित अवस्थाओं से, निश्चित प्रक्रिया से, निश्चित अवस्थाओं से गुजरता है। सबसे पहला है उद्भवन अवधि। इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। उद्भवन अवधि को संप्राप्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में रोगाणु हमारे शरीर में तो प्रवेश कर चुके होते हैं, परंतु वो अपनी वृद्धि कर रहे होते हैं। अतः रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से लेकर के रोग के लक्षण प्रकट होने तक की अवधि को हम उद्भवन अवधि कहते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की होती है। प्रत्येक रोग में भी ये अलग अलग प्रकार की होती है या अलग अलग मात्रा में होती है। इसके बाद में है संक्रमण की अवधि। इस अवधि तक रोगाणु विजयी हो चुके होते हैं और साथ ही में वो अपनी वृद्धि भी कर रहे होते हैं, अतः रोग के लक्षण थोड़े थोड़े दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है शीर्ष प्रकोप की अवधि, अर्थात क्लाइमेक्स पीरियड। इस समय तक
रोग अपने चरम पर होता है और साथ ही साथ में रोगी व्यक्ति जो है वो इस समय पूर्णतया रोग के लक्षणों से युक्त होता है। इस अवस्था में यदि उचित उपचार नहीं किया जाए या रोगी की परिचर्या ना की जाए तो कई बार ऐसा भी होता है कि रोगी की मृत्यु भी होने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट है रोग के कम होने की अवधि, इसको हम डिक्लाइन पीरियड भी कह सकते हैं। जब रोग का उपचार किया जाता है तथा रोग के प्रवेश के साथ ही कुछ एंटीबॉडीज भी शरीर में उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं जिससे कि रोगाणुओं की संख्या धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाती है और परिणाम होता है कि रोगी के कम होना शुरू हो जाता है और या कह सकते हैं हम रोग का डिक्लाइन पीरियड शुरू हो जाता है। इसके साथ ही रोग के लक्षण धीरे धीरे गायब होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्वस्थ होने की अवधि या रिकवरिंग पीरियड, इस पीरियड तक आते आते रोग के लगभग सभी लक्षण समाप्त हो चुके होते हैं। रोगी को दुर्बलता का अनुभव होता है परंतु साथ ही उसे भूख का भी अनुभव होता है। अब वो अपनी मनपसंद चीजों को खाना चाहता है, साथ ही वो बाहर टहलना चाहता है। इस अवधि में रोगी अपने आप को काफी बेहतर अनुभव करने लगता है। लास्ट है पुनः आवृत्ति या रिलैप्स होना। कई बार क्या होता है कि स्वस्थ होने की अवधि में यदि व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वस्थ होने की अवधि में यदि व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा सावधानी नहीं रखता है उस अवधि में कई बार रोग की पुनः आवृत्ति हो जाती है। जब पुनः रोग की आवृत्ति होती है तो ये अवस्था बहुत ज्यादा घातक होती है। इसके साथ ही इस अवधि में कई बार रोगी जो है वो इतना दुर्बल होता है कि उसके ऊपर अन्य रोग भी अपना आक्रमण कर देते हैं और जिससे उसके स्वास्थ्य का स्तर एकदम से नीचे आ जाता है। और जैसे रोगी के स्वास्थ्य का स्तर नीचे आता है वैसे ही वो उसकी अवस्था गंभीर होने लगती है। अतः इस अवस्था को नहीं आने देना चाहिए। हमेशा स्वस्थ होने की अवधि में भी हमको सावधान रहना चाहिए। संक्रमण से बचाव की प्राकृतिक व्यवस्था, प्रकृति ने हमारे शरीर में बहुत सारे बचाव की व्यवस्था की हुई है, जैसे कि प्रवेश में अवरोध है, संक्रामक रोगों में रोगाणुओं को प्रवेश करने से बचाने की कोशिश की जाती है, जैसे त्वचा और नाक के बाल रोगों को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। साथ ही में जो नाक में और आंखों में जो तरल पदार्थ होता है वो भी रोगाणु नाशक होता है जो रोगाणुओं को रोकने का काम करता है। इसके पश्चात भी यदि किसी प्रकार से रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो भी प्रकृति ने इनसे बचाव की व्यवस्था की हुई है। सबसे पहले तो हमारी जो रोगाणु नाशक शक्तियां होती हैं जैसे कि WBC इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और इन पर आक्रमण करके इनको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही साथ में हमारी जो लसिका ग्रंथियां होती हैं या लसिका तंत्र होता है वो रोगाणुओं से बचाव का कोशिश करता है। इसके बाद भी यदि भोज्य पदार्थों आदि के माध्यम से किसी तरीके से रोगाणु हमारे पेट तक आमाशय तक पहुंच जाते हैं तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन रोगाणुओं को नष्ट करने का कोशिश करता है। इस तरह से काफी बचाव की प्राकृतिक व्यवस्था हमारे शरीर के अंदर भी होती है। लास्ट है रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपने देखा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति रोग से ग्रसित नहीं होता है, अर्थात जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है वो शीघ्र रोगों से ग्रसित नहीं होते हैं, पर जिनमें ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है वो अतिशीघ्र रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। संक्रामक रोगों से बचाव। बच्चों यद्यपि की
प्रकृति ने हमारे शरीर में संक्रामक रोगों से बचाव की काफी व्यवस्था की हुई है, परंतु फिर भी हमको इनके प्रति सावधान रहना चाहिए और स्वयं भी अब कुछ जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो हमको स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिए, अर्थात व्यायाम करना चाहिए और मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से हमारे घर में सूर्य के प्रकाश के आने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, वायु का आवागमन उचित प्रकार से होना चाहिए। इसके अलावा हमको भोजन एवं जल की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए, हमेशा पौष्टिक भोजन और स्वच्छ जल का ही सेवन करना चाहिए। विसंक्रामकों का प्रयोग करना चाहिए, जिस समय रोग फैलने की संभावना हो उस समय हमें अपने घर के सामने तथा घर में विसंक्रामकों जैसे कि चूना छिड़कवाना या DDT का प्रयोग करना छिड़कवाना और इसके साथ ही फिनाइल डिटॉल आदि विसंक्रामकों का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही टीकाकरण अवश्य करा लेना चाहिए। परंतु यदि किसी प्रकार से रोग फैल ही जाते हैं उस समय भी हमको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि तुरंत नगर निगम तथा स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे देनी चाहिए। इसके अलावा यदि हमारे घर में कोई रोगी है तो उसे हमें अलग कर देने चाहिए, उसके बर्तन उसके वस्त्र और उसके बिस्तर आदि अलग कर देने चाहिए। साथ ही साथ में रोग प्रतिरक्षा हेतु परिवार के सभी सदस्यों का विशेष करके टीकाकरण करा देना चाहिए। इसके अलावा रोगी का जो बलगम मल मूत्र आदि हो उसको भी विसंक्रमित करके इस प्रकार से नष्ट कर देना चाहिए कि वो अन्य रोगी लोगों को तक ना पहुंच सके और वायु में भी ना आने पाए। अभी तक हम आपको बहुत सारे बार बार कह रहे थे कि विसंक्रामक शब्द का प्रयोग कर रहे थे, आइए जानते हैं कि ये विसंक्रामक या विसंक्रमण होता क्या है। रोगाणुओं को नष्ट करने की जो शक्ति होती है या नष्ट करने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम विसंक्रामक कहते हैं। ये रोगी के सामान को या वस्तुओं को या चीजों को विसंक्रमित करने के लिए हम तीन विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे प्राकृतिक विसंक्रामक, जैसे सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें अच्छा विसंक्रामक होती हैं, इसी तरह वायु में उपलब्ध जो ऑक्सीजन होती है वो भी रोगाणुओं को नष्ट करती है। शुद्ध जल यद्यपि कि विसंक्रामक नहीं होता है परंतु हम अपने वॉशरूम को या बाथरूम को साथ ही में जो हमारी चीजें होती हैं उनको भी हम इसी के माध्यम से ज्यादातर शुद्ध करते हैं। इसके अलावा भौतिक विसंक्रामक जलाकर चीजों को शुद्ध करते हैं, वाष्प द्वारा ज्यादातर बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है और कंबल आदि को विसंक्रमित करते हैं, इसी तरह उबाल करके व शुष्क वायु के प्रयोग के द्वारा भी कुछ चीजों को विसंक्रमित करते हैं। कुछ रासायनिक विसंक्रामक भी होते हैं जैसे ठोस तरल और गैसीय, पोटेशियम परमैंगनेट चूना DDT ब्लीचिंग पाउडर ठोस रासायनिक विसंक्रामक होते हैं। इसके अलावा कार्बोलिक अम्ल फॉर्मेलिन और ईथर बोरिक एसिड आदि तरल पदार्थ होते हैं जो रासायनिक विसंक्रामक होते हैं। क्लोरीन गैस और सल्फर डाइऑक्साइड ये ऐसी गैसेस हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। बच्चों जैसे ही कोई भी रोग हमको ग्रसित करता है उस समय हमारे शरीर में एक प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। आपने COVID-19 में इम्यूनिटी का नाम बार बार सुना होगा, इसमें से प्राकृतिक प्रतिरक्षा उस इम्यूनिटी को कहते हैं जो हमको प्रकृति से प्रदत्त होती है। कुछ लोगों में ये तत्व बहुत अच्छी मात्रा में होता है और वो जल्दी जल्दी रोगों से ग्रसित नहीं होते हैं, ये जन्मजात प्राप्त होती है। अर्जित प्रतिरक्षा हम उसे कहते हैं
जिसमें जो जब एक बार रोग हो जाता है उसके पश्चात उसकी जो एंटीबॉडीज हो जाती हैं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण वो रोग कभी कभी दोबारा कभी नहीं होता है। ये कुछ रोगों में जैसे चेचक में स्थायी होती है, जबकि कुछ रोगों में ये अल्पकालिक भी होती है। कृत्रिम प्रतिरक्षा हम उसको कहते हैं जिसमें कि जो टीकाकरण आदि के द्वारा प्राप्त की जाती है, कृत्रिम साधनों से प्राप्त की जाती है। बच्चों आइए जानते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। जैसे कि हमने आज रोगाणुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, इनके फैलने के माध्यमों के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा इनके प्रसार के बारे में जाना। इसके साथ ही हमने जाना कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि रोगाणु होते हैं और इनके लक्षण क्या होते हैं तथा विसंक्रामक भी कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिरक्षा भी तीन प्रकार की होती है, प्राकृतिक, अर्जित व कृत्रिम। बच्चों इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आपको इस चीज का ज्ञान होगा कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, साथ ही आप भविष्य में इन रोगों से अपना बचाव भी कर सकेंगे, इनके प्रति आप सावधान भी रह सकेंगे। बच्चों अब हम लोग इस पाठ के अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न करेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आप इनको अपनी कॉपी में नोट करेंगे तथा इनका अध्ययन करेंगे।